हेलो सैजिटेरियस। सो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के बारे में, सो यहाँ पर जैसे कार्ड्स हैं, द फाइव ऑफ एक्शन के कार्ड है। सो ये ऑफ कोर्स बताता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली से, आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चल रही है कोई इशू प्रॉब्लम, तो मुझे ये वीक में उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिकवर होने में, थोड़ा सा मन में बातें पकड़ के बैठे रह सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो मैं कहूँगी अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो ये वीक में मैं कहूँगी उस सिचुएशन पे ज़्यादा जल्दी आंसर लाने की कोशिश ना करें। इट्स बेटर अगर बातचीत नहीं हो रही है तो एक दूसरे को टाइम दे, बात ना करें, इट्स फाइन। बट ओवर एंड ओवर उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर कर उस चीज़ को और बढ़ा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जितना हो सके एक चुप सौ सुख वाली बातें, वैसी वाली एनर्जीज रखें तो अच्छा माना जाएगा पर्सनल लाइफ में। अदरवाइज़ मैं कहूँगी, कहते ना आप भी अपने शब्दों को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर कहें कि अगर किसी का दिल ना दुखे, ये माइंडसेट ज़रूर रखें। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि जितना हो सके आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करें। अगर आपको लगता है आपको कुछ दिनों से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, सो अगेन कम बैक, अपने आप को रियलाइज़ कराएं, मेडिटेशन, काम डाउन रहने की कोशिश करें, क्या आप बिहेवियर चेंजेस कर सकते हैं उस पर ध्यान दें सैजिटेरियस। अदरवाइज़ दिस इज़ व्हाट आई सी। आगे अगर हम बढ़ते हैं आपके करियर एस्पेक्ट की तरफ, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखता है सैजिटेरियस इन दिस वीक आप थोड़े से अपसेट हैं, सैड हैं या डिससेटिस्फाइड है अपने काम को लेकर। मे बी कहने को तो आपके पास सब कुछ है सैजिटेरियस इन दिस वीक, आपको ऐसा लग दुनिया की नज़र से लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, बट अंदर से आपको कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा आपका काम, आपको वो जो रिजल्ट चाहिए थे उस टाइप के नहीं मिल रहे, या मे बी अब सब कुछ होते हुए आपको वो चीज़ में खुशी नहीं दे रही। सो मे बी आप थोड़े से या तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए अपने काम से, आपके सोल पर्पस, एंड दिस इज़ वॉट डिस्टर्बिंग यू। मे बी आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही, बट वो आपका बोर्डम, आपके मूड स्विंग्स, आपका मन नहीं लग रहा काम में, चाहे वो आपकी पढ़ाई, ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं। सो यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रही है बाय डिवाइन कार्ड्स की, आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना है कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें सैजिटेरियस इन दिस वीक। डेफिनेटली चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपका काम है, ज़रूर आप ग्रेटफुल रहें। आई नो लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, कई बार आपको लगता है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप ये अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं कि एटलीस्ट आप आज वहाँ नहीं हैं जहाँ पहले थे, एंड आप थ्रू टाइम लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो, बेहतर भी हो रहे हो। सो जिस इंसान के अंदर जो चीज़ अच्छी है, या आपकी लाइफ में जो चीज़ सही चल रही है या अच्छी चल रही है, जो आपके पास है, उसका आप जब ग्रैटिट्यूड करेंगे, सो आपका माइंड सेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव में आएगा, आपको रियलाइज़ होगा ना, आप बहुत बेहतर फील करेंगे, चीज़ों की और कद्र करेंगे, चीज़ों की और वैल्यू करेंगे, रिलेशंस की और वैल्यू करेंगे। सो ये वीक में डेफिनेटली आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। ऑफकोर्स सब टाइम्स आपको लगेगा भाई हम इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सामने वाला तो हमारी कद्र नहीं करता, उसकी प्रॉब्लम है बट आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लियर, पॉजिटिव, हैप्पी रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ग्रैटिट्यूड से अच्छा कोई रेमेडी नहीं है। सो शुक्राना, मैंने बड़ी खूबसूरत बात कहीं सुनी थी कि कहते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ पे जो इंसान ग्रेटफुल नहीं है, उसके पास शुक्र करने के लिए वो अगर नहीं कर सकता है, सो मे बी वो इस धरती पर बोझ है, क्योंकि हमें इस नेचर ने, धरती ने, हमारे पेरेंट्स ने कितना कुछ है हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए, बट हम उन सब चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। सो कभी भी ये ना कहें कि मेरे पास कुछ किसी चीज़ को थैंक यू करने के लिए कुछ भी नहीं है। हर वक्त में, हर परिस्थिति में, या एटलीस्ट लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपके पास ज़रूर ऐसा होगा जिसके लिए आपको शुक्राना करना चाहिए, उस चीज़ को वैल्यू दें। सो उसी के अकॉर्डिंग जो ज़िंदगी में आपको मिला है, जिस जर्नी से आप होकर आए हैं, उन चीज़ों का ग्रेटफुल थैंक यू करते हुए आप आगे की जर्नी प्लान करें, आगे के बारे में सोचे, वो बेहतर है। कभी भी आगे बढ़ने के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस करने के लिए मना नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सजेस्टिंग यू सैजिटेरियस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पा रहे, ये मुझे आपके एनर्जी दिख रही है। रेस्ट वर्क लाइफ में चीज़ें आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती हैं, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई जिस तरीके से मैं सक्सेस चाहता हूँ, लाइफ चाहता हूँ, ऐसी क्यों नहीं हो पा रही, आगे क्या होगा, इस सब चीज़ें आ सकती हैं, बट थ्रू टाइम ये बैलेंस आउट हो जाएगा। बट द मेन थीम मुझे आपकी लग रही है कि आर्ग्यूमेंट्स आपने अवॉइड करने हैं, काम में भी आपने कुछ जल्दी फोर्सफुल चेंजेस आप ना करें, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस डेफिनेटली करें, तो ये आपको ये वीक में स्टेबल पॉजिटिविटी ज़रूर देगा। सो आई होप सैजिटेरियस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।